हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब लेक्चर में। तो अपन सर्वे पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट चैप्टर अपना प्रोग्रेस में है और लगभग लगभग अभी पूरा भी हो जाएगा। इसी लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आपका फर्स्ट लेक्चर आपके लगभग 90% से ऊपर के क्वेश्चंस जो मैंने जितना पढ़ाया है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस जो आपको दी है उसके साथ ही जो थ्योरी बताई थी वो भी उससे आपके हो जाएंगे। तो आप ज़रूर उनको सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन फॉर्म में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी कम पढ़नी पड़े, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पढ़नी पड़े, ठीक है। और अगर आप वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे हमारे जो चैनल है उसका सब्सक्राइब बटन है, वहाँ पे आप क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और पूरा सर्वे पढ़ें। पूरा सर्वे क्या, मैं पूरा लगभग पूरा कोर्स ही इसमें डालने वाला हूँ पढ़ा के, ओके। वो तो फ्यूचर प्लान है अपना, बट आपका रेस्पॉन्स बहुत ही ज़रूरी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें और इसी से खूब सारी प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चंस की। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन स्केल में RF और जो अपने RF से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में, अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। तो स्केल्स अपन पढ़ चुके थे कि स्केल्स क्या होता है, RF पढ़ लिया था, फिर उस पर करेक्ट लेंथ भी अपन निकाल चुके थे। तो स्केल अपन को पता ही है, मैप डिस्टेंस अपन ग्राउंड डिस्टेंस होता है। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप्स है अपना प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये दो डायमेंशन मेज़र करता है। कितनी मेज़र करता है, दो डायमेंशन। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यानी कि ये मीटर और डेसीमीटर, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है, मैं डीएम लिख रहा हूँ, डेसीमीटर, ठीक है, डीसी भी लिख सकते हैं इसको, डीएम मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। मीटर और डीएम मतलब मीटर और डेसीमीटर, दो डायमेंशन आप साथ में इसको रीड कर सकते हैं या मेजर दो रीड कर सकता है प्लेन स्केल अपना, ठीक है। और जो डायगोनल स्केल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डायगोनल स्केल कितने डायमेंशंस मेजर करता है, कितनी यूनिट्स मेजर करता है, तो थ्री डायमेंशन तक ये यूज़ करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है इसलिए मैंने यहाँ पे ये डाला है, ठीक है, पूरे में से यही इम्पोर्टेंट था इसमें। तो एग्ज़ाम्पल इसका ये है कि इसको मीटर, ये मीटर, डेसीमीटर और आपका सेंटीमीटर, तीनों में ही ये मेज़र कर सकता है, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये वाला जो वर्नियर स्केल आता है, सबसे इम्पोर्टेंट स्केल, और इसके टाइप्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और लगभग इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, इसीलिए। तो वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्नियर, पहले जो वर्नियर स्केल है ये इन्वेंट किया था पियर ए वर्नियर ने। किसने किया था, पियर ए वर्नियर, 1631, यानी आज से बहुत साला बहुत ज़्यादा टाइम पहले, ठीक है, वर्नियर स्केल बन चुका था। और ठीक है, अब वर्नियर स्केल करता क्या है। तो वर्नियर स्केल, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजरिंग रीडिंग, क्या करता है, पढ़ता है किसको, विच इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट, विच आर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फ्रैक्शनल पार्ट यानी बहुत छोटे छोटे पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है उसके भी फ्रैक्शन पार्ट को वर्नियर स्केल पढ़ता है। मतलब अपन को माइनर से माइनर रीडिंग ये देता है। कुल मिला कहने की बात यही है, वर्नियर का जो यूज़ है, अपन जब थियोडोलाइट सर्वे करते हैं, थियोडोलाइट अपना होता है उसके अंदर ये वर्नियर स्केल लगा होता है और मेन स्केल दोनों होता है। जब आप थियोडोलाइट सर्वेइंग पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा ये चीज़, ओके, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं आपको यहाँ पे पूरी पिक भी शो करूँगा कि कैसी है, कैसा होता है वर्नियर, कैसे रीडिंग लेते हैं वो भी, ठीक है। उसमें तब ये रीडिंग लेते हैं, तब उसका वन डायमेंशन ऑफ मेन स्केल माइनस वन डायमेंशन ऑफ वर्नियर स्केल, इससे अपना उसका लीस्ट काउंट आ जाता है वर्नियर स्केल का, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है वैसे, लीस्ट काउंट अपना होता है मिनिमम डायमेंशन, क्या होता है मिनिमम, पढ़ लेना वैसे ये
मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना कि मिनिमम डायमेंशन जो मिनिमम डायमेंशन है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जितने जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनका जो मिनिमम डायमेंशन होता है वो पढ़ने की क्षमता क्या होती है, लीस्ट काउंट। ओके, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज द मिनिमम डायमेंशन दैट कैन बी रीड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, मतलब मिनिमम डायमेंशन है जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा, छोटी से छोटी। ठीक है, अब अपने वर्नियर से, वर्नियर स्केल कितने टाइप का होता है, इसमें ये पूरा आएगा लीस्ट काउंट वगैरह, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो पहला आएगा आपका डायरेक्ट वर्नियर, इनडायरेक्ट वर्नियर, एक्सटेंडेड, डबल फोल्ड या डबल वर्नियर भी इसको बोलते हैं। और जो अपना इनडायरेक्ट वर्नियर है इसका एक और नाम है, इसको रेट्रोग्रेड वर्नियर भी बोलते हैं। तो जब आप अगर लिख ही रहे हैं तो एक साइड में और लिख लेना इसको, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड। क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड, ये लिख लेना आप, रेट्रोग्रेड वर्नियर। ओके, तो अपन अभी इस चारों टाइप पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करेंगे इनके। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डायरेक्ट वर्नियर। मैंने क्या लिखा है? डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर देखो, मैंने सीधा ही फॉर्मूला इसका लिखा है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी के बेस पे है। ठीक है, ये वाला अपना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चीज़ आप फॉर्मूले से जो थ्योरी है वो समझ सकते हैं कैसे। तो मैंने ये लिखा है कि एन वी इक्वल टू एन माइनस वन इक्वल टू एस। अब ये क्या है? एन है नंबर ऑफ डिवीज़न, नंबर ऑफ डिवीज़न किसके? पी, वर्नियर्स के। यानी कि एन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू एन माइनस वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। कहने का मतलब ये होता है इसमें कि जो आपका डायरेक्ट वर्नियर है, एन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल्स उसमें आपके एन माइनस वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के बराबर होंगे। कुल मिला के ये बात कह रहा है। ये कैसे? मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लिया मेरे एन डिवीज़न मैंने ले लिए छः, कितने छः, और तो मुझे पता है कि एन मेरे नंबर ऑफ डिवीज़न छः हैं, तो एस कितना हो जाएगा? अपन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एन माइनस वन इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइव, पाँच हो जाएंगे ना। ठीक है, जब पाँच हो गए मतलब ये मेरा, मान लो ये वाली चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये चीज़ देख लेना। ठीक है, ये मेरा वर्नियर स्केल था, ये मेरा वर्नियर स्केल था, तो मैंने यहाँ पे सिक्स डिवीज़न लिखे। एन क्या है? सिक्स डिवीज़न। ओके, ये मेरे पूरे सिक्स डिवीज़न। तो इस सिक्स डिवीज़न को मैं, जो मेरा मेन स्केल होगा, ये मेरा वर्नियर स्केल है, ये मेरा वर्नियर है वी। ठीक है, और ये मेरा मेन स्केल है एस। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये इसको पाँच में कवर करेगा क्योंकि इनके इक्वल है। मतलब मेरा जो एस होगा वो वी से ग्रेटर होगा, मतलब जो मेरा मेन स्केल है। कहने की बात मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जो मेरा मेन स्केल है वो वर्नियर स्केल से ज़्यादा होगा, स्लाइटली, बहुत छोटा ज़्यादा ही होगा। मतलब फाइव और सिक्स को कवर करना है तो देख लो, बहुत छोटा ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो इसका लीस्ट काउंट होता है, ये तो आप समझ गए। ये बात, जब ये बात समझ गए तो आप चारों ही चीज़ समझ जाओगे, इनडायरेक्ट वर्नियर वगैरह सब यही कॉन्सेप्ट है, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट में चारों ही चार है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूले से ही सीधा याद रखना है कि मेरे n नंबर और डिवीज़न है जो वर्नियर स्केल के, वो मेरे n माइनस वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल के बराबर होते हैं, किसमें? डायरेक्ट वर्नियर में। ठीक है, अब मैं लीस्ट काउंट s बाई n लिखा है मैंने सीधा डायरेक्ट फार्मूला। अब ये कैसे आया? ठीक है ना, ये कैसे आया? तो इसको भी मैं वैसे प्रूव कर सकता हूँ, एक प्रूव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सब आप प्रूव कर लेना, सारे में s बाई n ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि
सारे प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है, तो एक प्रूव कर रहा हूँ। वैसे कि वैसे आप इसे सारे प्रूव कर सकते हो, एस बाई एन ही आंसर आएगा। कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डेराइव कर रहा हूँ, एन वी इक्वल टू एन माइनस एस। तो अपन को पता है एस इक्वल टू वी है, ये चीज़ तो हमको जानते ही है, और मैंने लास्ट टर्म में एक चीज़ इसी से मैं निकाल देता हूँ। तो इसमें मैं अगर मेरे वर्नियर की बात करूँ तो वर्नियर कितना आ जाएगा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको n माइनस वन, ये n माइनस वन है, ओके, n माइनस वन इक्वल टू s अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा n, ये मेरा n आ गया, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी आपको कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर का, वर्नियर का लीस्ट काउंट होता है, मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा दूँ, लीस्ट काउंट का जो वर्नियर होता है वन डिवीज़न ऑफ मेन स्केल s और वन माइनस वन डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल v, यानी कि s माइनस v होता है मेरा क्या लीस्ट काउंट। तो LC इक्वल टू होता है मेरा s माइनस v इक्वल टू, तो मैं v की जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आएगा s माइनस n माइनस वन अपॉन n, ठीक है, इंटू s, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पूरा यही आंसर आएगा s बाई n, ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो वही आएगा, बहुत सिंपल है, अब फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा, s माइनस n माइनस वन इंटू एस, तो s बाई n आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा रेट्रो आपका इनडायरेक्ट वर्नियर में, जो s बाई n है, n क्या है आपका नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ, ठीक है, इसमें आएगा जो वर्नियर स्केल का होगा ये n, यहाँ पे जो n होता है ये वर्नियर स्केल का होता है, और ये जो n है वो क्या है आपका मेन स्केल का है, ठीक है, लीस्ट काउंट। तो आपको s बाई n, उससे आपको LC लीस्ट काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका इनडायरेक्ट वर्नियर देखेंगे तो nv इक्वल टू n प्लस वन, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्नियर ग्रेटर हो जाएगा, किससे, मेन स्केल से, उसमें कम हो रहा था इसमें ज़्यादा हो रहा है, n प्लस वन है, मतलब अगर मैं ये वापस से n इक्वल टू सिक्स डिवीज़न लूँ, यहाँ पे देख लेना आप, मैं n इक्वल टू सिक्स डिवीज़न लूँ तो ये जो मेरे s का कितने हो जाएंगे, सेवन डिवीज़न हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब मेरा जो s है, सॉरी जो v है, छः है, वो मेरा सात को कवर कर रहा है, इसलिए उसका मतलब ये है कि मेरा जो v है वो बहुत बड़ा है s, इसी टर्म में आप देख सकते हैं जो मैंने पहले बताया, सेम टू सेम है कॉन्सेप्ट, लीस्ट काउंट सेम टू सेम है, s बाई n रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। एक चीज़ और है जो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये मेन स्केल की जो रीडिंग होती है ना, जब इसको पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, तो इसका जो पढ़ते हैं ना, तो इसकी दोनों की डायरेक्शन, जैसे कि मेन स्केल है अपना ये वाला, और ये वाला है वर्नियर, ये वर्नियर है, ये अपना मेन स्केल है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है ना, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हुए उसको अपन रीड करते हैं, ठीक है, जब उसकी रीडिंग करते हैं तब। और जो इनडायरेक्ट वर्नियर या रेट्रोगेट वर्नियर आपको याद रखना है, उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका वर्नियर तो इस साइड में जा रहा होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये चीज़ याद आपको रखनी है, कि ये भी पूछा गया है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। आपका वर्नियर जैसे कि राइट साइड में जा रहा है तो आपका मेन स्केल लेफ्ट साइड में जा रहा होगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में ये मूव करते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। अब नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वर्नियर की बात करेंगे तो एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड में क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन एस इक्वल टू एन वी, या इसको ऐसे भी
सर्वे में अपने बताया गया है डायरेक्ट कि जो, ठीक है, कैसे बताया गया है ये आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं 2n इक्वल टू, मैंने जो ऐसे लिखा है यानी कि 100 मैं ले लेता हूँ, तो आप वैसे सॉल्व कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी के लिए सॉल्व करूँ, सिर्फ किसी के लिए जो 119 में जो डिवीज़न है मेन स्केल के, वो 60 वर्नियर के इक्वल होते हैं, जनरली ये होता है, इस टाइप का एक्सटेंडेड वर्नियर अपन यूज़ करते हैं जनरली, इसीलिए मैंने ये लिया। ओके, यानी 119 = 60 वर्नियर्स, 119 मेन स्केल इक्वल टू 60 वर्नियर्स का जो पार्ट है वो अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप वर्नियर, और अगर वर्नियर का पूछा है तो मेन, वर्नियर का पूछा है तो मेन के हेल्प से आप वर्नियर निकाल सकते हैं, एक दूसरे के हेल्प से एक दूसरे दोनों ही निकाल सकते हैं, ठीक है। डबल वर्नियर देखो, डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया कि 19s = 20v, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5s = 10v, ठीक है। जनरली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सटेंडेड वर्नियर, मुझे बस आपको ये फार्मूला बताना है, फार्मूला याद रखना है, और ये एक चीज़ ये याद रखनी है। और एक्सटेंडेड वर्नियर में एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो आप कि जो ये यूज़ कहाँ होता है, डबल वर्नियर तो बहुत ही लीस्ट कम जगह यूज़ होता है, बट एक्सटेंडेड वर्नियर जो अपन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है, अपन जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, इससे अपन डिस्टेंस नापते हैं किसकी, सन की, सन हो गया आपका, स्टार्स हो गया, मतलब लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड अपन निकालते हैं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं उसका, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के लिए यूज़ करते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के लिए, ठीक है। और एक चीज़, जैसे ये वर्नियर की बात चल ही रही है तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है, जो अपना थियोडोलाइट होता है, ठीक है। जनरली अगर ये बात पूछ ले कि ये एक्सटेंडेड जो वर्नियर है, अगर इसका लीस्ट काउंट होता कितना है, इसका एलसी में बात करूँ तो जनरली इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 10 सेकंड, कितना होता है 10 सेकंड, ठीक है। जनरली ये होता है 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड तक, ये 10 सेकंड यानी डिग्री 10 सेकंड, ठीक है ना, 10 सेकंड तक ये मेज़र कर सकता है। और ये वाला जो आपका डबल वर्नियर है उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो ये वाला क्वेश्चन है जो एसएससी 2017 में, मतलब लेटेस्ट ही पूछा गया था एक दो साल पहले, द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर, क्या कह रहा है 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर, ये बोल रहा है 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर, 10v इक्वल्स टू कितने हैं 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, जल्दी से बताइए कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपका, ठीक है। n माइनस वन वाला है, n प्लस वन वाला है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि nv, जब nv इक्वल टू आपका n माइनस वन s हो, ये कौन सा बन रहा है देख लेना आप, nv इक्वल टू n माइनस s वाला बन रहा है। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए यूज़ लेते हैं अपन, ये वाला ऐसे पुट करके भी आप चेक कर सकते हो कि ये वाला बन रहा है कि नहीं, इससे ये वाला बन रहा है, इसका मतलब ये वाला अपना डायरेक्ट वर्नियर होगा, सिंपल सा। अगर ये फंडा याद है तो डायरेक्ट ही अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। कौन सा आएगा, डायरेक्ट वर्नियर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डायरेक्ट वर्नियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 11, ठीक है, 11 डिवीज़न पूछा होता तो ये n प्लस वन वाला हो जाता,
और एन प्लस वन होते ही अपना ये रेट्रोग्रेड हो जाता है। मैंने दूसरा नाम बताया, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कब है, जब उनको फॉर्मूला याद है, ओके। ये इसका कॉन्सेप्ट जो ये है ये याद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, लीस्ट काउंट वाला है ये, कि ये भी एसएससी 2017 में आ रखा है। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है, देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिवीज़न रिक्वायर्ड ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न हैं वो अपन को निकालने हैं, ठीक है। इफ इट इज, क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज कंबाइंड विथ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ 0.5 mm। ये लिखा क्या हुआ है जी, कि इट इज कंबाइंड विथ मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ जीरो, जो आपका वर्नियर है वो कंबाइंड किसके साथ है, मेन स्केल के साथ, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, और लीस्ट काउंट जो कंबाइंड है कितना चाहिए, वो कितना है, 0.05 mm, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला फॉर द डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट की जगह कोई सा भी आ जाता, आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सीधा ट्रिक है अपना, के एस बाई एन लीस्ट काउंट इक्वल टू, ओके। तो ये जो द लीस्ट काउंट ऑफ द कंबाइंड रिक्वायर्ड, यानी दोनों का गिवन है, कंबाइन ये वाला ये है आपका, तो ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिवीज़न है मतलब एन, वो अपन को निकालना है, ये वाला अपन का अननोन है। एस मेन स्केल के डिवीज़न, वो भी अपन को लीस्ट काउंट है इसका, ये गिवन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ये, अपन को सब कुछ गिवन है, तो जीरो ये क्या हो जाएगा, 0.05 लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 मेन स्केल का अपॉन एन अपॉन एन। तो एन इक्वल टू कितना आ गया अपना, 0.5, इसको कैंसिल करो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो, एन इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05, ओके, ये हो गया, मतलब एस अपॉन लीस्ट काउंट हो गया एन इक्वल टू फॉर्मूले में, ठीक है। ये एन निकालना था, एन को इधर भेज दिया, ठीक है, सिंपल सा। तो ये आ गया आपका 10 आंसर, ठीक है। 0.5 में 0.05 का जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है, समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है, आपका 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल दैट इज इक्वल टू द 8 डिवीज़न ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, तो सॉरी कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड वर्नियर के अंदर ये पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ डिवीज़न होंगे वो वर्नियर स्केल के कितने बराबर होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन को वो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, वो जो अपन ने पढ़ा था, कौन सा, मैंने आपको ये बताया था, एक्सटेंडेड वर्नियर में 2n-1 × s इक्वल टू nv, ठीक है। ये वाला फार्मूला अपन ने पढ़ा था, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इसमें गिवन क्या है, 8 डिवीज़न ऑफ एक्सटेंडेड वर्नियर, मतलब ये वर्नियर है एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंडेड वर्नियर का ये क्वेश्चन गिवन है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल गया था इसीलिए, सो आप देख सकते हैं n इक्वल टू nv, ठीक है, 2n-1 × s = nv। ये वाला फॉर्मूला अपन एक्सटेंडेड वर्नियर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 8 गिवन है, n इक्वल टू 8 है, ठीक है, यानी कि ये 8 व्यय है, और आपको s के निकालने हैं कि आपके जो मेन स्केल होगा वो कितने के इक्वल टू होगा। तो ये 8 आपको कुछ नहीं करना, 2n के अंदर पुट कर दो, 2n-1 के अंदर, तो 2 × कितना हो जाएगा, 8 - 1 इसके इक्वल हो जाएगा, ये कितना हो गया,
16, 8 × 2, 16 − 1, 15, मतलब जो आपका 15 मेन स्केल्स के डिवीज़न है वो आपकी 8 वर्नियर के एक्सटेंडेड वर्नियर के इक्वल हो गए कुल मिला के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15, आंसर आ जाएगा आपका 15, आपका 15 आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एसएससी में के, बहुत हार्ड लगते हैं अगर अपन कंसेप्ट याद है तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एसएससी जेई का है, ये वाला ये चीज़ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि ये क्वेश्चन जनरली अपन को पता होना चाहिए कि द मैक्सिमम एरर का भी मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी, ऐसे क्वेश्चंस में अपन को डायमेंशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि किस डायमेंशन में पूछा है, अपन ने किस डायमेंशन में याद किया है और अगले वाले ने किस डायमेंशन में दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे mm में दिया है, ठीक है। मतलब ये जितने भी आंसर है ये mm में है, ठीक है। अपन को सेंटीमीटर वाला याद है, अगर अपने देखा ही नहीं कि क्या डायमेंशन गिवन है, अपन सीधा ही टिक मार के आ गया और वो गलत हो गया। माइनर मिस्टेक से ही क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत बार, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जनरली इसका आंसर जो आएगा वही आपको याद रखना है कि मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड बी, जब अपन एक ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग शीट बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम जो एरर है, ठीक है, जो चल सकता है, मतलब इतना एरर आ गया है, ठीक है, तो वो 0.25 mm होता है। mm की बात कर रहा हूँ, 0.25 हम सीधा आपको याद रखना है ये वाली चीज़, क्योंकि बिना याद रखे ये सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। वह क्या होता है 0.25 mm, अगर इसी को अगर यहाँ पे मैंने mm की जगह इसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बन गया, इसे सेंटीमीटर में पूछ लिया होता तो आप क्या करते mm में, आपको पता है डिवाइडेड बाई 10 और कर देते सेंटीमीटर में, आपको चेंज करना है तो यही ना, mm में गिवन है, सेंटीमीटर में चेंज करना है आपको, तो क्या करते हैं आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका बी आंसर आ जाता सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन होता तो आपका आंसर बी होता, mm है तो आपका आंसर सी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो आंसर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत सिंपल आते हैं और आंसर भी। हाँ, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी भी होता है और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं पूरे पेपर में 100 में से, तो उनके चक्कर में ज़्यादा टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि जो उनको आता है, ठीक है। मीडियम लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अबाउट 50 क्वेश्चन तो मीडियम से भी कम लेवल के होते हैं, तो एसएससी जेई तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। राजस्थान जेई में भी इतना ही पूछते हैं, आपको नॉर्मली डेटा पता होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ओके। तो लगभग ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो ही गया है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपना पूरा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, अब फर्स्ट चैप्टर के मैंने 12 क्वेश्चन तो आपको करवा ही दिए हैं, लगभग इसी से रिलेटेड ऐसे के ऐसे 2-3 क्वेश्चन का थोड़ा सा कुछ मिक्सर करके और क्वेश्चन आ रखे होंगे, तो मैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और इस लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना उसमें डालूँगा, ठीक है, जो सिर्फ क्वेश्चन होंगे, जो उनको सॉल्व करने से पहले ये जितने भी मैंने सारा पूरा चैप्टर पढ़ाया है, जितने भी 4-5 वीडियो, आज ये 5वां वीडियो है, तो जो 4 वीडियो है और ये जो पूरा 5 लेक्चर में मैंने बनाया वो आपको अच्छे से पढ़ना है, तो जो मैं आगे वाला आपको पढ़ाऊँगा आप आराम से सीधा टिक मारोगे उनको विद फ्रैक्शन सेकेंड, बहुत ही आराम से आप उन क्वेश्चन को करोगे। और आप देख सकते हैं मैं सीधे जेई लेवल के ही सारे क्वेश्चंस पुराने प्रीवियस ईयर के ही उठा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन अपन को पूछते हैं अपन को वही उसी टाइप से पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, इसीलिए आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और इससे थोड़े से हट के, जो अभी पढ़ाया है या उससे थोड़ा सा हट के,
जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है। और अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, कोई डाउट हो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दूंगा उसको, और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊँगा वो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो यही होगा आपका क्वेश्चन वाला, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करेंगे 10-15, उसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, 10 मिनट का वही वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट उसको सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि अपन ने सारे फैक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा सॉरी वो अपना क्वेश्चन वाला होगा, तो लगभग 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर के, जो मोर देन सफिशियंट है, फिर अपन नेक्स्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन वाला वीडियो मैं सोच रहा हूँ मैं आज ही डाल दूँ, तो उसके लिए मैं रात शायद आज रात तक डाल दूँगा उसको, या फिर कल डालूँगा, देख लेना आप जब भी, ठीक है, या मैं आपको बता भी दूँगा कि कब डालूँगा मैं वो वीडियो। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, और तो कुछ नहीं, मेरी यही है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छी क्वालिटी वाले जो चीज़ें हैं वो आप देखें, और सिलेक्शन आप अपना सिलेक्शन लें, ओके, बाय फ्रेंड्स।